नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी, साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ठाणे वारकरी प्रतिष्ठान शिरडी पालखी सोहळा तारीख 20 जनवरी 2022 शिरडी में संपन्न हुआ। इस पालखी का स्वागत साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे ट्रस्ट शिरडी की ओर से श्री अरुण जी गायकवाड़ परिवार ने किया। साई पालखी और चरम पादुका की पूजा की गई, साथ में भंडारे का आयोजन किया गया था। पालखी के सभी साई भक्तों ने इस सेवा प्रति श्री अरुण जी गायकवाड़ इनको धन्यवाद दिए। ओम साई नाथाय नमः, ओम साई राम। सभी साई भक्तों को साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे ट्रस्ट और शिंदे गायकवाड़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आज शिरडी में लाखों साई लोग आते रहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आज ये जो हमारे यहाँ पे शिरडी में और बाबा के नौ सिक्कों का दर्शन करने के लिए जो ठाणे शिरडी ठाणे से जो पालखी आई है ठाणे शिरडी वारकरी प्रतिष्ठान की, ये देखते हुए ये कोरोना की वजह से बहुत कम आई है। हर साल बहुत सारे हजारों लोग आते हैं, लेकिन इस बार 5% ही लोग आए हुए हैं। और ये जो पालखी पदयात्री चलते हैं, ये बॉम्बे से ठाणा से जगह जगह से आते हैं, तो इनको 7 दिन लगता है। ये 7 दिन बिल्कुल दिन भर चलते हैं और जो मिला वो खाते, जहाँ पे उनका मुकाम रहता है, जिस अवस्था में उनको सोने के लिए मिलेगा वो अवस्था में वो सोते हैं और पूरा दिन भर रात भर भजन कीर्तन चालू रहता है। और ये जो पालखी है ये बहुत सालों से चल रही है, 28 साल से ये पालखी शिरडी में आ रही है। और इन लोगों ने जो भक्तिमय वातावरण रखा हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी साई भक्तों को एक गुजारिश करूंगा कि पालखी का महत्व जो बाबा ने शुरू किया है, तो ये पालखी जो हर जगह से आती है, आज हिंदुस्तान से बहुत जगह से ये पालखी आती रहती है, तो पालखी सेवा ये चालू रहनी चाहिए। और हमारा जो यहाँ पे बाबा के जो 9 सिक्के हैं जो लक्ष्मीबाई जी को दिए थे, जो मेरी माँ की दादी थी लक्ष्मीबाई शिंदे पाटिल, और हम अभी माँ है शैलजा ताई शिंदे गायकवाड़ और मैं उनका बेटा हूँ, तो ये पालखी सेवाधारी जो है पदयात्री जो है इनकी सेवा करते हैं, उनमें हमको बहुत आनंद होता है। इन्होंने अभी 9 सिक्कों का दर्शन किया और पालखी का पूजन करके अभी घर में भजन कीर्तन चल रहा है। और इसी तरह से ये पालखी फिर इन सभी पदयात्रियों को ट्रस्ट की तरफ से एक भोजन दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और ये सब जितने स्वस्थ मस्त भक्तिमय वातावरण में सब कुछ होता है। ओम साईराम। साईराम, ऑल साई डिवोटीज ऑफ अराउंड द वर्ल्ड आर सो मच अनाउंस्ड हैप्पी दैट नाउ शिरडी इन शिरडी द ऑल पालखी सेवा पदयात्रीज वॉकिंग डिवोटीज फ्रॉम मुंबई एंड ऑल अराउंड द इंडिया स्टार्टेड नाउ। दिस पालखी इज ठाणे शिरडी वारकरी प्रतिष्ठान फ्रॉम ठाणे इज स्टार्टेड फ्रॉम 28 ईयर्स। दिस इज द 28th ईयर। सो मच डिवोशन इन ऑल पदयात्रीज अराउंड द वर्ल्ड अराउंड ड्यू टू कोरोना सो मेनी डिवोटीज आर नॉट कमिंग टू शिरडी एंड दिस पालखी ऑल्सो सो मच रिड्यूसिंग नियर अबाउट ओनली 5%। अदरवाइज एवरी ईयर फ्रॉम 27 ईयर द 1000 and 1000 डिवोटीज आर कमिंग बाय वॉकिंग बाय फूट फ्रॉम मुंबई टू ठाणे टू शिरडी एवरी ईयर एंड दे आर कमिंग टू टेक दर्शन ऑफ ऑल साई टेम्पल्स इन शिरडी ऑल डिवोटीज हाउसेज दे कवर्ड ऑल डिवोटीज हाउसेज एंड ऑल्सो इन दैट आवर लक्ष्मीबाई शिंदेज हाउस मीन्स 9 coins वेयर वी केप्ट नाउ इन शैलाजमाज हाउस शी इज लक्ष्मीबाई ग्रैंड डॉटर द पालखी इज कमिंग हियर दे टेक डूइंग भजन सो मेनी भजन्स इन मराठी हिंदी एंड दे आर सो हैप्पीनेस ड्यू टू दिस हैप्पीनेस ड्यू टू देयर द बैलेंस ऑफ डिवोशन इज कंप्लीटेड बिकॉज सो मेनी डिवोटीज गिवन डोनेशंस इन मनी बट दिस डिवोशन कमिंग बाय वॉकिंग फ्रॉम 275 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर्स by walk in 7 days they covered all the things and due to this they are so much happy after that
दे आर डूइंग ऑल फ्रॉम मुंबई टू शिरडी 7 days दे आर बाय वॉक कमिंग एंड सिंगिंग भजन्स सो एंड ऑल्सो आफ्टर भजन कीर्तन एंड देन आवर ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दी प्रसादम टू एवरी पदयात्री एंड दिस इज फ्रॉम नाउ 27 ईयर कंप्लीटेड सो एंड अपील टू एवरी डेवोटी डू लाइक दिस जॉइन द दैट पदयात्री इन अ ईयर एंड स्टार्ट टू पदयात्री डिवोशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओम साईराम ओम साईराम।